हाय गाइस, आज हम MT125 के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। MT का मीनिंग क्या है? मास्टर ऑफ टॉर्क। इस MT वर्ड का यूज यामाहा के नेकेड बाइक के सीरीज के लिए यूज किया जाता है। सो फैक्ट की बातें बाद में करेंगे, वीडियो के अंदर चलते। चार्ली फॉर अल्फा 2। चार्ली यामाहा MT125 में 124.7 सीसी का इंजन लगाया गया है। MT125 के इंजन में वेरिएबल बाल एक्चुएशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जो कि आपको R15 में देखने को मिलेगा ये टेक्नोलॉजी। वेरिएबल बाल एक्चुएशन टेक्नोलॉजी क्या है तो जानते ही होंगे। मोर एयर इज इक्वल टू मोर पावर। बाइक को जब भी ज़्यादा पावर चाहिए तभी बाल ज़्यादा ओपन हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा एयर इंजन के अंदर जा पाता है और ज़्यादा पावर प्रोड्यूस हो पाता है। जब भी हम बाइक चलाते हैं तो गियर को डाउनशिफ्ट करते वक्त वाइब्रेशन वाली फीलिंग आती है, मगर MT125 में गियर को डाउनशिफ्ट करते वक्त वाइब्रेशन वाली फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि इसमें स्लीपर क्लच लगाया गया है। डेल्टा बॉक्स फ्रेम क्या है? ये बॉक्स नहीं है, ये MT125 का फ्रेम है जिसका नाम है डेल्टा। ये डेल्टा फ्रेम F1 रेसिंग के बाइक में यूज होता है, क्योंकि ये फ्रेम लाइट वेट है, ये एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं। डेल्टा फ्रेम की रिजिडिटी भी बहुत अच्छी है, इसीलिए रेसिंग बाइक में यही फ्रेम यूज होता है और MT125 में भी यही फ्रेम का यूज किया गया है। रेडियल माउंट कैलिपर, जो कि नए नए रेसिंग बाइक के ब्रेकिंग सिस्टम में यूज होते हैं, यही ब्रेकिंग सिस्टम MT125 में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। रेडियल माउंट कैलिपर ब्रेकिंग की रिजिडिटी बढ़ाती है। आगे में आपको 41mm की अपसाइड डाउनफोर्क देखने को मिल जाएगी। MT125 में रियर टायर मिशेलिन 140 सेक्शन वाइड टायर लगाया गया है, जिसलिए आपको कर्नरिंग करते वक्त ज़्यादा ग्रिप मिलता है। MT125 में TFT LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।